हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और यूपीएससी सी सेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ मिरर इमेज। मिरर इमेज डिस्कस करेंगे हम। देखो, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ था मिरर इमेज के ऊपर 2021 के अंदर, है ना। और इजी क्वेश्चन है, एक ऐसी टर्म है। अब जैसे ये वाला लेक्चर है, आधे घंटे की अपनी क्लास होती है, इस आधे घंटे के बाद में आपको मिरर इमेज के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद आपका मिरर इमेज पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो आप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप ले सकते हो जिससे प्रैक्टिस आप कर सको। ओके, तो इतना इजी अगर टॉपिक है तो क्यों स्किप किया जाए जब फ्री के 2.5 नंबर मिल रहे हैं। ओके, अब आप देखोगे कितना ईजी है, कितना ईजिली आप इसको कर सकते हो। एक एक पॉइंट बताऊंगी, ध्यान से समझना है सभी ने, सभी ने ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। काफी इजी टॉपिक है। और आप ये देखो कि अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्यों स्किप करें, ठीक है ना। तो इसलिए सभी ने एक एक पॉइंट जो है ध्यान से समझना है। कुछ पॉइंट अगर नोट डाउन करने वाले आपको लगते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, देखो अब यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले बात करते हैं हम मिरर इमेज की। हम बात करें तो इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी को फोकस करके पहले मैंने क्लास स्टार्ट करी है कि क्वेश्चन के अंदर आया हुआ था कि जो अपने अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स के अंदर से कितने ऐसे लेटर हैं जिसकी मिरर इमेज और एक्चुअल इमेज सेम रहती है, ठीक है। कितने ऐसे लेटर्स हैं, तो उसके अंदर ना आपका डायरेक्ट ये नहीं था क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज था कि कितने कॉन्सोनेंट की, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट का पूछा हुआ था आपसे। तो पहले आपको पूरा कंप्लीट ही पता होना चाहिए। तो मिरर इमेज की मैं बात करूं, दैट मींस कि मैं मिरर में कैसा दिख रही हूं, मिरर में मुझे कोई भी इमेज कैसी दिखाई दे रही है। तो अब सिंपल सा पहला पॉइंट ध्यान रखो कि जब आप मिरर के अंदर कुछ भी इमेज को देखते हो, इसको बाद में सॉल्व करेंगे बेटा, पहले छोटा सा पॉइंट देखते हैं। ये मेरे पास में मिरर है, ठीक है। अब इस मिरर के अंदर अगर मेरे पास में लिखा हुआ है, मैं कहती हूं मैंने बी लिख दिया, ठीक है। तो मिरर क्या करता है कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो बेटा राइट में चला जाता है मिरर के अंदर, और जो राइट है वो लेफ्ट में चला जाता है ऑटोमेटिकली। क्या कह रही हूं मैं, लेफ्ट बन जाता है राइट, ठीक है, और जो राइट है वो क्या हो जाता है हमारा, चला जाता है लेफ्ट में। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये तो याद रहेगा। ओके, अब देखो इसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये बी था, अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये अभी कहाँ पे आपके पास में, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेफ्ट में, और ये जो सर्कल बना हुआ है वो किधर है अपने पास में, राइट में। तो ये क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। पॉइंट समझ आया कुछ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मेरे पास में इजीली बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इधर लिखते हैं इसको, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है और यहाँ पे मेरे पास में एक ट्रायंगल है। ओके, अब देखो अब उस केस के अंदर क्या होगा, ट्रायंगल इधर आ जाएगा और मेरे पास में बेटा सर्कल इधर चला जाएगा। मीन जो लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में था वो लेफ्ट में चला। सिंपल इतना सा कंसेप्ट है। ओके, पॉइंट समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, अब जैसे मेरे पास में ऐसे लिखते हैं, ये पार्ट इधर से ओपन है, ठीक है। अब ये, अब इस केस के अंदर क्या हो गया, सिंपल से मैंने एक इमेज ली है और यहाँ पे मेरे पास में इस पार्ट के पास यहाँ पे मेरे पास में सर्कल है। ओके, अब यहाँ पे सर्कल किधर है मेरे पास में, राइट में, किधर चला जाएगा, लेफ्ट में। अब इसके अंदर ये जो लाइन है, लाइन एज इट इज रही, अब जो ओपन पार्ट है वो इधर चला गया। ओके, सेम वे अगर मेरे पास में ई गिवन है तो ई के अंदर ये देखो क्या बन जाएगा आपके पास में, ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया, बस इतना सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है बस। इसके बाद का मतलब ये नहीं कि इतना सा पॉइंट है तो यहीं पे क्लोज हो जाओ, नहीं, थोड़ा सा जो टाइप्स आती है एग्जाम के अंदर वो बताती हूँ मैं आपको। ओके, अब अगर मान लो हम एबीसी की बात करें, अल्फाबेट्स की बात करें, तो अपने 26 अल्फाबेट्स है। अब इन 26 के अंदर से देखिए, दिस इज सेम, ए तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है, और देखो कौन सा सेम आ रहा है, आई भी हमारे पास में वैसा ही है, एच भी ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, एम भी बेटा सेम है, एम हो गया। उसके बाद देखो ओ भी सेम है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सारे क्या हैं, एक जैसे है? एक जैसे। एक बात और, एग्जाम में लिखा हुआ आएगा आपके पास में कि हाँ जी कैपिटल लेटर्स की बात हो रही है या स्मॉल लेटर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो अब ज्यादातर कैपिटल वाला ही आता है। तो कैपिटल में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो टोटल आपके पास में 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं
जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है। नोट डाउन करो जल्दी से, 11 अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसकी मिरर इमेज सेम रहती है। ओके, अब यहाँ पे जैसे इस बार क्वेश्चन आया हुआ था कॉन्सोनेंट और वोवल पे बेस्ड, ठीक है, तो उसके अंदर से 4 वोवल ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या होती है, सेम रहती है, एक की चेंज होती है, किसकी चेंज हो रही है आपके पास, ई की। डन। इसी तरह से अगर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो 7 कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम रहती है, और तो फिर जो बाकी है 20 के अंदर से बाकी के थे वो 13 रह गए, दैट मींस कि उनकी क्या होगी, चेंज होगी, सिंपल। तो क्वेश्चन क्या था हमारा जो एग्जाम में आया हुआ था वो ये वाला आया हुआ था कि कितने कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज चेंज होती है, तो कितने है, 13 है। क्लियर। अब दूसरा देखो, अगर हम न्यूमेरिकल डिजिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो 0 और 8 वो सेम रहेंगे, बाकी सभी की चेंज हो जाएगी, तो कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं जिनकी चेंज होती है। अब अगर हम बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की, स्मॉल लेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल में बेटा आई सेम रहेगा, एल सेम रहेगा। अब इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना, स्मॉल एग्जाम में वैसे भी इसीलिए ही नहीं आता कि आप कहो कि हाँ जी कर्सिव में तो एल ऐसे होता है, मैम आप तो ऐसे बता रहे हो, तो इसलिए जो यहाँ पे ये जो मेन फॉर्मेट यही चलता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में क्या है, आई एल ओ वी डब्ल्यू एंड एक्स, इनकी सेम रहेगी, बाकी सभी की चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, डन। अब देखो, अब एग्जाम के अंदर अगर अल्फाबेट वहां पे आपके पास में मेंशन है तो अगर वहां पे कर्सिव में लिखा हुआ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, अगर आपके पास में सिंपल में लिखा हुआ है तो आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। डन। थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी आपकी। हाँ जी, उससे और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए अब ये क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे, क्या है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। मिरर इमेज आपको बतानी है, तो मिरर इमेज कैसे बताओगे आप, ये वर्ड गिवन आपके पास सुपरवाइजर है, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात, एलिमिनेशन मेथड आप यूज करो एग्जाम के अंदर, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट, कि जो एलिमिनेट हो रहा है उसको आप एलिमिनेट करते हुए चलो, ठीक है, फिर उसके बाद में रिमेनिंग बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो एस को चेंज कर रहा है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पता है एस इधर जाएगा और आर इधर आएगा। ओके, उसके बाद लेटर कैसे चेंज हो रहा है हम वो देखेंगे। अब अगर हम लेटर के चेंज करने की भी बात करें तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, अगर ये आर हमारा आगे आएगा तो कैसे बनेगा, हमारे पास ऐसे कुछ बनेगा, आर हमारा आगे आएगा तो ऐसे कुछ बनेगा। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, इसमें आर ऐसे, इसमें आर ऐसे, दैट मीन्स कि ये भी इलिमिनेट हो गया, पूरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। आप ऐसा भी कर सकते हो, उसमें ये देख लो दोनों में चेंज कहाँ पे है, ठीक है, तो उससे सिर्फ उस पर्टिकुलर लेटर को लिख के देख लिया करो। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या, डी एल नाइन सी जी 4728, करो कोशिश। अब देखो यहां पे जो D है ये इधर ट्रांसफर हो गया, 8 यहां पे आ गया। अब यहां पे देखो चेंज क्या होगा, करिए शाबाश, कोशिश करेंगे सभी के सभी। अब यहाँ पे D एज इट इज है, ये तो शुरू में ही एलिमिनेट हो गया। अब इसमें देखो कि जो सेम है उसको ड्रॉ करके मत देखा करो, उसको ड्रॉ नहीं करना किसी ने भी। आप सिंपल क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे जो चेंज है उसको चेक कर लो, सिर्फ जो चेंज है ना, सिर्फ आप उसको चेंज चेक किया करो। अब देखो इन तीनों में 8 एज इट इज बना हुआ है, दैट मीन्स कि मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ नहीं करना, मेथड बता रही हूँ मैं आपको, ड्रॉ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में 2, अब 2 देखो यहाँ पे दोनों में तीनों में सेम वे से लिखा हुआ है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं। अब देखो 7 यहाँ पे बेटा कैसे बना हुआ है, ऐसे, इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे। अब चेक करो 7 कैसे बनना चाहिए, अगर 7 ऐसे है दैट मीन्स कि ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा आपके पास में, ठीक है। अब ऐसे किसके अंदर है, इसकी ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब 7 यहाँ पे इन दोनों में सेम तरीके से बना हुआ, देखो इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है। ओके, अब आगे देखो, जहां पे चेंज नजर आता है वहां से पकड़ लो, आप वहां से देख लो। अब उसके बाद में देखिए आपके पास में क्या आ रहा है, 4, उसके बाद जी सी ई एल, एल दोनों में डिफरेंट है, एल दोनों में डिफरेंट है। एल देखो कैसे बनता है, एल ऐसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आएंगे तो ऐसे बनेगा, तो जिसपे ऐसे है
वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ठीक है, ये गलत हो गया। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो माइनर सा? समझ आ रहा है सभी को? क्लियरिटी बन रही है कुछ कि कैसे सॉल्व करोगे अगर एग्जाम में आ जाता है तो? नेक्स्ट देखिए क्या है, Br4aq16hi। ठीक है, अब यहां पे देखो, I पहले आएगा इधर और सभी में सेम रहेगा, ठीक है, फिर H, H भी सेम रहेगा, I, H, उसके बाद 6। अब 6 देखो जिसमें डिफरेंट लग रहा है, अब 6 ऐसे बनता है बेटा, तो अगर हम उसकी बात करें मिरर इमेज की, तो कैसे चला जाएगा ये? ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। अब जहां पे ऐसे नहीं बन रहा उसको बाहर निकाल दो, ये देखो इसमें भी नहीं बन रहा, ठीक है, और इसमें भी नहीं बन रहा, बच गए दो। अब इसमें देखो डिफरेंट कौन सा, जो डिफरेंट है सिर्फ उस पर फोकस करो, जो सेम है उसको ड्रॉ करने पे टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। अब यहाँ पे ये तो सेम ही है, ये डिफरेंट बन रहा है, क्यों? दोनों में क्यों डिफरेंट है? अब क्यों देखिए, ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब जब हम उसको चेंज करेंगे मिरर के अंदर देखेंगे, तो मिरर में कैसा दिखेगा? ये तो सर्कल तो एज इट इज ही रहेगा, ये जो क्यू की डंडी है आपकी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। अब देखो किसमें ऐसे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ये रो बो। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? ध्यान से समझो क्या कर कह रहे हैं। एक एक को चेक किया, जो कॉमन पार्ट आता जा रहा उसको छोड़ते जाओ, जहां पे चेंज दे देखो कि वहां से मेरे पास में पता चलेगा कि कौन सा रोंग जा रहा है, जो रोंग हो रहा है उसको निकालते जाएंगे बाहर, जो करेक्ट है उसको रखते जाएंगे, डन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेशनल, नेशनल, जल्दी से आंसर देख के जल्दी से करेंगे। हाँ जी, अब उसके बाद में आपने आपने खुद ने सोल्व करना है। नेशनल पहले क्या आएगा बेटा? एल आएगा। अब एल देखिए, एल बनता है ऐसे, अगर मैं उसकी मिरर इमेज की बात करूं तो कैसे बनेगा? ऐसे, ओके, दैट मींस कि ये हमारे पास में रोंग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ए, ए सभी में सेम ही लिखा हुआ है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद आ गया एन, एन, एन देखो एन चेंज होगा, इसमें सेम है, दैट मींस कि एन भी रोंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में ये सेम था, अब देखो ओ आई दोनों में सेम है, अब है टी, टी चेक करते हैं सिर्फ, ठीक है। टी आपके पास में क्या आ जाएगा? हाँ जी, क्या आ गया आपके पास में? फिर टी है बेटा, टी, टी भी दोनों के अंदर आपके पास में। अब यहाँ पे देखो टी जो हमें पता है कि एज इट इज ही रहेगा, अगर हम मिरर में देखते हैं तो टी सेम रहेगा, ठीक है, वाटर में डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे ये वाटर इमेज शो कर रहा है उसके, मिरर इमेज नहीं शो कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारे पास में? रोंग हो गया, बचा क्या ये, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियरिटी बन रही है कुछ? कुछ समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी जल्दी से। हाँ जी बेटा, जल्दी से सभी के सभी शेयर कर देंगे वीडियो को। कोई किसी को डाउट आ रहा हो इसके अंदर? ठीक है, अब जल्दी से नेक्स्ट सोल्व करो, नेक्स्ट सोल्व करेंगे सभी। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स आ गया आपके पास में, क्या आ गया? स्मॉल लेटर्स आ गया। स्मॉल में अभी आपको बताया था मैंने, स्मॉल में बताया था मैंने अभी आपको। अब यहां पे देखिए अगेन, याद करने की जरूरत नहीं है कि किसकी पोजीशन चेंज होती है, किसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, सिंपल ये देखो कि लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में जाएगा, राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में। तो अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा, एच देखो इन दोनों में, इसमें तो डी आ रहा है, इसमें पी आ रहा है, मींस कि ये दोनों तो गलत ही हो गए पहले, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब इन दोनों के अंदर से चेक करो, अब क्या आ रहा है बेटा, एच, एच ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, ये तो ऐसे सेम में आ रहा है, क्या आ जाएगा? फोर्थ विल द करेक्ट आंसर, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ड्रॉ करना पर जरूर थोड़ा सा ध्यान रखो कि हाँ जी लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, ड्रॉ भी एज इट इज करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो मिरर इमेज का नंबर पक गया सभी का कि हाँ जी ढाई नंबर आ जाएंगे हमारे सभी के सी सेट के अंदर, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कर लेंगे सभी? हाँ जी सभी कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे बाद में सभी के सभी के, हाँ जी कर लेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ओके, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ एग्जैक्ट टाइम शोन इन द क्लॉक 8:20।
अब देखो बेटा ऐसा भी हो सकता है आपके पास में एग्जाम में कि ऐसे आ जाए आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन कि हाँ जी 8 to 20 की मिरर इमेज बताइए, या आपके पास में क्लॉक ड्रॉ हो सकती है, तो क्लॉक का अगर पिक गिवन है तो इन दैट केस आप वहां से भी कर सकते हो। तो अब डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आता है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि मैं इसके लिए पहले क्लॉक ड्रॉ करूं, उसके अंदर 8 to 20 बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में 6, 7, 8, यहां से कुछ आएगा, दिस इज आर हैंड और ये है 20, तो ये हो गया आपके पास में मिनट हैंड, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज देखूं तो मिरर इमेज क्या बनेगी, ये जो आर है ये इधर चला जाएगा, ये वाली जो है क्लॉक ये इधर चलेगी, मतलब जो लेफ्ट वाला पोर्शन है बेटा वो राइट में जाएगा, सीधी सी बात है, और राइट वाला पोर्शन किधर चला जाएगा हमारे पास में, लेफ्ट में चला जाएगा, ओके। तो कितना बनेगा ये आपके पास में, अगर मान लो ये जो है ये मेरे पास में इधर आ गया, दैट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, हाँ जी ये जो मिनट है, मिनट वाली सुई मेरी इधर आ गई, तो उस केस के अंदर कितना हो गया, ये अगर इधर आएगा तो कितना हो गया, 40 मिनट्स के अराउंड हो गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे है तो दैट मीन्स कि 40 मिनट्स हो जाएगा। जब मैं आर की बात कर रही हूँ तो ये इधर से यहाँ पे कुछ आएगी, यहाँ से देखिए मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो बेटा ये इधर आई तो दैट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ये वाली जो है ये यहाँ से यहाँ पे कुछ चलेगी, ठीक है। तो टाइम क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 340 के अराउंड टाइम हो गया, 340 हो गया, डन। अब देखो ड्रॉ करने में तो बड़ा टाइम लग जाता है और यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो इसका बड़ा ही इजी मेथड बताती हूँ मैं आपको, बड़ा ही इजी मेथड बताती हूँ। अब देखो जो अपनी क्लॉक है, क्लॉक के अंदर टोटल कितना टाइम आता है, टोटल 12 आवर्स होते हैं, अगर हम टोटल देखते हैं तो कितने 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास में, ठीक है। तो 12 घंटे के अंदर से अगर मैं देखूं तो उसको अगर वाटर इमेज सॉरी मिरर इमेज में हमने किसी भी टाइम को देखना है तो क्या करना है, इसके अंदर से उसको माइनस कर दीजिए सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि जब 0 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 आएगा, रॉन्ग। सिंपल हमें पता है कि जब हमारे पास में जो आर है वो 60 मिनट का है, दैट मीन्स कि कैरी भी तो 60 मिनट की होगी बेटा, तो यहाँ पे कैसे करोगे, इसको ऐसे लिख लिया करो 11:60, 11:60, दैट मीन्स कि पूरे 12 हो गए, हमेशा इसमें से माइनस करना है आपने, तो जितना भी टाइम गिवन है उसको इसके अंदर से माइनस कर दो, माइनस कर दिया मैंने, कितना है आपके पास में 340, और यहाँ पे हमारे पास कितना आया था 340, समझ आया कुछ। क्या करना, हमने जो टाइम गिवन है उसके अंदर से उसको 12 के अंदर से माइनस कर देना है, और 12 में से डायरेक्टली माइनस करेंगे गलती के चांस है, इसलिए क्या करना है उसको 1160 लिख लेना है, 1160 है तो 12 ही ना, जो 12 है इसी को लिख रही हूं ना मैं 1160, एक ही बात है, कुछ डिफरेंस तो नहीं है दोनों के अंदर। हाँ ये 1160 किस लिए लिखा है, ताकि हमारा जो डिफरेंस है उसमें कहीं पे मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 1160 लिख देंगे, डन। अब नेक्स्ट देखो, जल्दी से आंसर आना चाहिए चुटकियों में, जल्दी फास्ट, हाँ जी फास्ट आंसर आना चाहिए आपका, क्या है आपके पास, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ द एग्जैक्ट क्लॉक 4:15, हाँ जी देखो क्या करेंगे, 1160 से उसको माइनस करोगे आप 4:15 को, कितना आ गया जल्दी से बताओ, आ गया आंसर सभी का, हाँ जी सभी का आंसर आ गया, कितना आ गया बेटा 7:45, कितना आ गया 7:45, डन। कोई इसमें डाउट आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट मिरर इमेज की क्लास होगी उससे पहले आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट मिरर इमेज की क्लास लगाएंगे, ओके, तो उसमें आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर समझ आ रहा है कुछ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी ने, ओके, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे, हाँ जी बेटा। कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है बार बार कि मैम अभी टाइम बहुत कम बचा है, हमारा एग्जाम आने वाला है,
तो अब उस केस के अंदर हमें कंप्लीट कोर्स के अंदर टाइम लग जाएगा, तो कुछ इजी वे बताइए कि हाँ जी कैसे हम प्रिपेयर करें। तो बेटा उसके लिए स्पेशली हमने एक 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, 1 मंथ फुल सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, 1 मंथ का फुल सब्सक्रिप्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली इन 1500 रुपीज, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस रखें, ठीक है। इसका आपको क्या फायदा होने वाला है कि 1 महीने के लिए आप लोगों को कंप्लीट जितना भी प्राइम कंटेंट है, चाहे तो आपकी वीडियो लेक्चर्स है, टोटल जितने भी क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स, तो वो आपके सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा जितनी भी टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आपके जो MCQ प्रैक्टिस है, तो सारे के सारे MCQs, अराउंड 4000 MCQs। अब आप बात करते हैं कि 1 महीने में हम इतना थोड़ी ना कर लेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के अंदर से देख लीजिए, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वांट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन पर्टिकुलर हम टॉपिक्स को उठा लेते हैं और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, उनकी सभी वीडियोज, उनके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपके पास में, ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, फुल सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने ज्वाइन करना है। अगर आप चाह रहे हो कि हाँ जी कुछ अच्छा कंटेंट हमें मिनिमम चार्जेस के अंदर मिल जाए, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, गारंटी लेती हूँ मैं आपको, ऑल ओवर इंडिया कोई भी इंस्टीट्यूट इससे बेस्ट स्कीम नहीं दे सकता, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1500 के अंदर सारा कुछ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। आपने लेक्चर्स देखे, आपको पता है कि हाँ जी किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कैसे टॉपिक्स करवा रहे हैं, आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। YouTube पे भी इतने लेक्चर्स पढ़े, आप वहां से भी चेक कर सकते हो कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आप लोगों के साथ में मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा जी देखो, इसने जिस जो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, जो जो भी CSAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ओके। सो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, आई थिंक जिनको समझ में आ गया वो तो अभी कर ही लेंगे इसको। अब जल्दी से आंसर आई थिंक सभी का आ गया होगा, क्या है 6 12 6 12 6, तो क्या करेंगे बेटा 11 60 के अंदर से 6 12 को आप माइनस करोगे तो आपके पास में क्या आ गया, हाँ जी 4 48 5 hours 48 minutes, डन। अब जो तीसरी टाइप है उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं कि आपके पास में एक पिक गिवन होती है, एक सिंपल सी कोई भी पिक्चर दे देंगे, ठीक है। अब उसके साथ में मिरर बना हुआ है, अब आपको उसकी इमेज बतानी है। इवन कई बार ये भी आ जाता है कि ऊपर लिखा ही नहीं होता कि मिरर इमेज है, आपने जस्ट ये देखना है कि मिरर मेरा किधर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सामने मिरर बना हुआ है, दैट मीन्स कि लेफ्ट राइट का ही सीन है सिर्फ, कुछ नहीं है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे पिक्चर को देख के हमने देखना है कि हाँ जी जो लेफ्ट के अंदर जो जो है वो राइट में चला जाएगा, दैट मीन्स कि ये वाला कंटेंट इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, बीच वाला वहीं रहेगा, उसके बाद में जो ड्रॉ किया हुआ फिर उसके ऊपर हमने फोकस करना है, ओके। तो जल्दी से देखिए इसके अंदर कौन सा आएगा आंसर आपका, सबसे पहले क्या आएगा डॉलर, सभी में ही डॉलर शो हो रहा है, उसके बाद में स्माइली, और स्माइली कैसी आएगी आपकी इस तरह से, है ना। तो ये देखो कहाँ पे आ रही है आपके पास में, हाँ जी यहाँ पे देखिए आपके पास में डॉलर पहले, ठीक है, और डॉलर कैसा बनेगा बेटा आपके पास में, उल्टा बनेगा, सभी में ही सेम बना हुआ है ना, हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं हम अगर इसकी, तो ये देखो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर जो डॉट्स हैं वो सेम उसके अंदर आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी ये इधर आ रहा है, तो ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों में सेम है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बी की, तो बी चेक करो, बी कैसे बनेगा, बी आपके पास में इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। उसके बाद चेक करिए अगला क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देखो जो रिमेनिंग होता है सिर्फ उनमें चेक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखते हैं ये बेटा डॉट्स दोनों क्या चले जाएंगे आपके, राइट में चले जाएंगे, ओके, सभी में ही राइट में गिवन है। उसके बाद में हम देखते हैं जेड, जेड अब ये देखो जेड ऐसे है, ये देखिए, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास में जेड कैसे बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, और यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है, इसने इसको ऐसे बना दिया, दैट मीन्स कि सेकंड वाली ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया आपकी, है ना। उसके बाद में बेटा थर्ड और फोर्थ देखेंगे, थर्ड फोर्थ के अंदर देखो अब हमारे पास में ये देखिए ये एनवलप है, एनवलप है तो ये तो सेम ही रहेगा ना,
ठीक है, अगर ये इधर जाएगा तो भी ऐसा इशू होगा। तो यहाँ पे एनवेलप सेम किस में बना हुआ है, इसके अंदर तो ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया, ये आपका करेक्ट रहेगा। डन, दैट मीन्स कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, कैसे करना है, लेफ्ट विल बी राइट और राइट जो है वो कहां चला जाएगा आपका, लेफ्ट में। डन, ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी, जल्दी से देखेंगे क्या है। इमेज दिखाई दे रही है सभी को, एक सेकेंड, विजिबल है बेटा, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं इसको, इसको ऐसे बना लीजिए। ओके, अभी विजिबल है ना, हाँ अब देखो, अब करो जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे ये बेटा ऐसे आ रहा है, ओके, ये तो सभी में ही सेम बना हुआ है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। That means what? A इधर चला जाएगा, R इधर आ जाएगा आपके पास में। ये जो हमारे पास में पिक बनी हुई जिसमें एक पार्ट डार्क है, एक लाइट ब्लैंक है, ये इधर चला जाएगा अपने पास में, और जो परसेंटेज है वो इधर आ जाएगा। ओके, हाँ जी, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आई होप कर लेंगे सभी, कर लेंगे। हाँ जी, देखिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी, शाबाश। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे सभी, बेटा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। डन, चेक करेंगे सभी के सभी कि कैसे करोगे। नेक्स्ट देखो, हाँ जी देखो, मिरर इसके अंदर अगेन आपके पास में क्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया, क्लॉक वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्लॉक के लिए भी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्लॉक को देख के सभी को टाइम देखना आता है। टाइम चेक करिए, जितना भी टाइम है उसके अंदर से उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। तो अब यहाँ पे देखो कितना टाइम हो रहा है हमारे पास में, जो हमारी क्लॉक है इसके अंदर टाइम कितना जा रहा है बेटा। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ गया, ये वाला जो पार्ट है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि डी विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों ऑप्शन है आपके पास में, सीधा जब ड्रॉ कर रखे तो हमें पता है कि हाँ जी ये इधर से इधर आ गया, ये इधर से इधर चला जाएगा। डन, ऐसे कर सकते हो। दूसरा, आप यहां से टाइम भी देख सकते हो। देखो, अब मुझे पता है कि यहां पे 6 7 7 और ये हो गया अपने पास में 10 12 के टाइम है ना, 7 12 के अराउंड टाइम गिवन है, 7 12 है, ठीक है। 7 12 के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा फिर आपके पास में, 7 12 तो ये बेटा आपके पास में 4 48 आ जाएगा। अब 4 48 कहां पे बचे, यहीं पे बचे, ठीक है, नियर बाय। डन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास में, ये इमेजेस बिल्कुल सिंपल सी इमेज गिवन है। अब इसमें देखो कि यहां पे आपके पास में ये जो डार्क पोर्शन है ये आ जाएगा इधर, और ये वाला जो डार्क पोर्शन है ये चला जाएगा इधर। मतलब अब इसके अंदर देखो सेम है, सेम पोजिशनिंग है, दैट मीन्स कि रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पे भी सेम पोजिशनिंग है, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में चेक करो, दोनों में चेक करो, सेकंड और थर्ड के अंदर से आ जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास में, हाँ जी थर्ड आ जाएगा आंसर बेटा, थर्ड आ गया। ये देखो, क्लियर, कोई इसमें डाउट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, शाबाश, जल्दी से आंसर करेंगे। ये जो स्माइली फेस बना हुआ है ये बेटा पहले आ जाएगा, ठीक है, स्टार इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये सभी के अंदर सेम बना हुआ है, ठीक है, इधर आ गया, इधर आ गया, इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब स्टार देखो, स्टार ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, स्टार ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, बस लेफ्ट राइट पोजीशनिंग चेंज हो रही है। अब इन दोनों के चेक करो, दोनों को चेक करेंगे तो अब यहाँ पे एक तरह से 7 वाली शेप हो रही है, दैट मीन्स कि ऐसे आएगा, सी आ जाएगा। डन, कोई इसमें डाउट, कोई भी माइनर सा डाउट, सिंपल सा। नेक्स्ट,
तो आई थिंक जो मिरर इमेज पे कुछ मैंने आपको टाइप्स बताई जैसे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं बेसिकली, तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। इसके अलावा बेटा फुल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है फॉर 1 मंथ, अभी हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है कि अभी 1 मंथ ही हमारे पास में है एग्जाम के लिए, तो 1 मंथ का फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इन मिनिमम चार्जेस, ओके। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिरर इमेज डिस्कस करेंगे, ओके, थैंक यू।